आज की कहानी सत्यवादी राजा हर्षचंद्र की है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा थे जिनका नाम हर्षचंद्र था। एक रात्रि में महाराजा हर्षचंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया तथा उनका उचित आदर सत्कार किया गया। महाराजा हर्षचंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्होंने पहचाना कि स्वप्न में जिस ब्राह्मण को उन्होंने राज्य दान किया था वे महर्षि विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र बिगड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष पर तुम्हारा कैसे रहा अधिकार? यह तो हमारा हो गया, उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? महाराजा हर्षचंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे यह सोच रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हर्षचंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए। वे अधर्म से डरते थे। वे बोले, भगवान मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल कोष सब आपका हो गया, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। विश्वामित्र ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो वे राजा को श्राप देकर भस्म कर देंगे। राजा को भस्म होने का भय तो नहीं था, किंतु समय से दक्षिणा न चुका पाने पर अपने अपराध का भय अवश्य था। उनके पास अब एकमात्र उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दे। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं की भांति बेचा और खरीदा जाता था। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया। वे अपना राज्य विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर काशी चले आए। काशी में राजा हर्षचंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। सायकाल के समय राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली का काम। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। तारामती जो पहले महारानी थी, जिनके पास सैकड़ों दास दासियाँ थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हर्षचंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहिताश्व भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं। पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख व्रज की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती विलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए।
किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूँ तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपना साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूँगा। तारामती विवश थी। उसने ज्यों ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हर्षचंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। महाराज हर्षचंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हर्षचंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।